हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आता है। इसमें आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड है स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, ठीक है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में सबसे ऊपर इंस्टॉल ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे आना है, यहां पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ब्लूटूथ MIDI सर्विस पे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, यहां पर भी क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लेना अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।